हेलो यू गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप ये फेस पहली बार देख रहे हैं तो हाय, आई एम सुप्रिया। आई मेक वीडियोस अबाउट लाइफस्टाइल, फैशन, हॉल एंड ट्रैवल। तो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इट विल रियली हेल्प माय चैनल टू ग्रो। सो अगर आप लोग मुझे कुछ टाइम से फॉलो कर रहे होगे तो आप लोगों को पता होगा कि इस मंथ अप्रैल में 18 अप्रैल को मेरा बर्थडे है। सो फॉर माई बर्थडे आई एम होस्टिंग अ गिव अवे ऑन दिस चैनल। सो अप्रैल मंथ में आपको अब जितनी भी वीडियोज देखने को मिलेंगे ना, उसमें से किसी भी 3 वीडियो में आई विल होस्ट 3 गिव अवेज एंड देयर विल बी 3 विनर्स। कुछ बहुत मैसिव नहीं होगा, बहुत ही स्मॉल से क्यूट से गिफ्ट होंगे एंड दिस इज द फर्स्ट गिव अवे। इसके अलावा आपको 2 और गिव अवे मिल जाएंगे किसी भी 2 वीडियो में इस मंथ के। एंड गिव अवे के जो रूल्स है ना, उसको मैं काफी सिंपल रखने वाली हूँ। सो रूल्स आपको स्क्रीन पे एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएंगे एंड आई होप कि आप लोग काफी एक्साइटमेंट के साथ इसमें पार्ट लोगे। थैंक गॉड के जो कोविड के केसेज है ना, वो काफी ज्यादा कम हो गए हैं एंड अब सबके स्कूल कॉलेज वगैरह ओपन भी हो गए हैं, एज वेल एज लाइक शादियां वगैरह भी हो रही है एंड आजकल फेयरवेल एंड फ्रेशर्स का सीजन चल रहा है, एज वेल एज वेडिंग सीजन भी आने वाला है। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं आपको कुछ आउटफिट आइडियाज दे दूं फॉर योर फ्रेशर्स, फेयरवेल और वेडिंग्स। एंड फॉर वेडिंग गेस्ट आउटफिट तो मैंने हर एक फंक्शन के लिए एक अलग आउटफिट लिया है। तो इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे MyHaulStore का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप जस्ट उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो और ये जो सारे आउटफिट है ना, वो आपको एक ही जगह पे लिस्टेड मिल जाएंगे। एंड कमेंट्स में मुझे आप लोग जरूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं एंड ये वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं। तो चलो अब बिना देरी किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वेडिंग फंक्शन इज एंगेजमेंट एंड फॉर एंगेजमेंट मुझे कुछ इंडो वेस्टर्न, कुछ कॉन्टेम्पररी स्टाइल में चाहिए था। सो देन आई सॉ दिस रियली प्रिटी डस्टी पिंक कलर गाउन एंड आई रियली लाइक इट। तो मैंने इसको साइज लार्ज में पिक किया है और ये मुझे मिला फॉर 1264 रुपीज। सो दिस इज बेसिकली अ 1 शोल्डर फ्लोर लेंथ गाउन। सो मेरी जो हाइट है ना, वो है 5'8"। मेरी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है बट स्टिल ये जो गाउन है ना, ये लाइक मेरे पूरे एंकल तक आता है। तो अगर आपकी हाइट मेरे से थोड़ी सी कम होगी ना, ये आपको फुल गाउन के जैसे आएगा एंड इट विल लुक सो प्रिटी ऑन यू। सो बेसिकली ये एक 1 शोल्डर गाउन है। सो इसमें आपको एक साइड में इसके स्लीव्स मिलते हैं, दूसरे साइड में भी इसके स्लीव्स हैं बट जस्ट इसका 1 शोल्डर जो है ना, वो विजिबल होता है। सो इसका जो टॉप पार्ट है ना, वो है मेश फैब्रिक में एंड इसके ऊपर ना बहुत ही सुंदर थ्रेड एज वेल एज सीक्वेंस से बहुत ही प्रिटी सा काम किया गया है। इसकी नेकलाइन एंड इसके स्लीव्स आर ट्रांसपेरेंट बट इसके बस्ट एरिया के पास ना आपको एक लाइनिंग मिल जाती है एंड आप इसके अंदर कोई स्ट्रैपलेस लॉन्जरी वेयर कर सकते हो एंड विल बी फाइन। सो इट इज क्वाइट फिटेड टिल माई वेस्ट एंड उसके बाद ना ये पूरा फ्लेयर आउट हो जाता है। इसका जो घेर है ना, वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। इसमें इतनी सुंदर सी कलियां हैं, इसमें जब आप ट्वॉल करोगे ना, इट विल लुक सो प्रिटी। फैब्रिक जो इसका है वो है सिंथेटिक कॉटन फैब्रिक, काफी अच्छा फैब्रिक है एंड दिस फैब्रिक हैज अ शाइन टू इट। तो जब भी इस पे कोई लाइट पड़ती है ना, ये काफी ज्यादा शाइन करता है। इसकी साइजिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है। मेरा जो एग्जैक्ट साइज है ना, वो है लार्ज और मैंने इसको भी साइज लार्ज में ही पिक किया है और ये मुझे बिल्कुल परफेक्टली फिट होता है। आई थिंक दिस आउटफिट इज जस्ट परफेक्ट अगर आपको किसी के एंगेजमेंट में जाना है एज अ गेस्ट एज वेल एज फेयरवेल एंड फ्रेशर्स भी। ये बहुत ही अच्छा आउटफिट है, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। सो नेक्स्ट वेडिंग फंक्शन इज हल्दी एंड हल्दी इज 1 सच फंक्शन ना, जिसमें लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं एंड दे वॉन्ट टू बी वेरी कम्फर्टेबल। आई वॉन्टेड समथिंग वेरी कम्फर्टेबल एज वेल एज वेरी स्टाइलिश। लाइक मुझे वो नॉर्मल येलो सलवार कुर्ता नहीं करना था, सलवार कुर्ता वाओ, मुझे वो नॉर्मल येलो कलर का सलवार सूट नहीं डालना था। एंड देन आई सॉ दिस गाउन। सो दिस इज इन वेरी प्रिटी मिंट ग्रीन कलर एंड इसकी जो चुन्नी है ना, वो है लाइक लाइट येलोइश कलर में। सो मैंने इसको भी साइज लार्ज में लिया है और ये मुझे मिला था फॉर 1239 रुपीज बट इस पे अभी आपको और भी अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं और ये अभी आपको मिल रहा है अराउंड 1000 रुपीज। सो बेसिकली दिस इज अ स्ट्रैपी गाउन विद दुपट्टा अटैच टू इट। सो इट हैज स्ट्रैप्स एंड राउंड नेकलाइन। इसके जो नेकलाइन है ना, वो बिल्कुल भी ज्यादा डीप नहीं है एंड देन टिल योर वेस्ट एरिया ना, ये बिल्कुल फिटेड है एंड फिर ये लाइक हल्का सा फ्लेयर आउट हो जाता है। इसमें उतना ज्यादा घेर नहीं है एज द पिंक 1। मेरी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है तो लाइक ये मुझे पूरा फुल लेंथ गाउन तो नहीं आता है, लाइक ये मेरे एंकल के थोड़ा सा ऊपर तक आता है बट अगर आपकी हाइट मेरे से थोड़ी सी भी कम है ना, तो ये आपको एज अ फुल लेंथ गाउन आएगा। इसका जो फैब्रिक है ना, वो है जॉर्जेट फैब्रिक एंड देन इट हैज अ लाइट पेल येलो कलर दुपट्टा अटैच टू इट। जो गाउन है वो है पेस्टल ग्रीन कलर में एंड इसके ऊपर आपको गोल्डन कलर से फॉइल प्रिंट भी मिल जाएगी एंड दुपट्टा के साइड में ना आपको एक बहुत ही प्रिटी सी गोल्डन कलर की लेस लगी हुई भी मिल जाती है एंड इस लेस की वजह से ना, ये गाउन का जो लुक है ना, वो लाइक 10 टाइम्स और अच्छा दिखने लगता है। फैब्रिक जो इसका है वो है जॉर्जेट फैब्रिक एंड इसके अंदर ना आपको एक लाइनिंग लगी हुई भी मिल जाती है। सो इट इज नॉट सी थ्रू एट ऑल एंड दिस इज कम्प्लीट वन आउटफिट. इसमें आपको अलग से और कुछ भी नहीं कैरी करना है, नो दुपट्टा, नथिंग. सो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट आउटफिट फॉर हल्दी एंड आप इसको अपने फ्रेशर्स या फिर फेयरवेल में भी पहन सकते हो. एंड या आई वुड हाईली रिकमेंड दिस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. नेक्स्ट वेडिंग फंक्शन इज मेहंदी एंड फॉर मेहंदी ना मैंने जैसे ही इस वाले गाउन को देखा ना, आई वॉज लाइक दिस इज द परफेक्ट आउटफिट फॉर मेहंदी फंक्शन. तो मैंने इसको भी साइज लार्ज में लिया है और ये मुझे मिला था फॉर 1428 रुपीज. तो दिस इज अगेन अ फुल लेंथ गाउन इन दिस वेरी प्रिटी एमरल्ड बॉटल ग्रीन सॉर्ट ऑफ अ कलर. सो दिस इज अ फ्लोर लेंथ गाउन एंड ये मुझ पे भी मेरे एंकल तक आता है. सो इसमें आपको वी नेकलाइन मिल जाती है एंड देन इट हैज अ केप सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि इस वाले गाउन के ऊपर से आती है. एंड देन इस वाले केप के ऊपर मैंने आपको सिल्वर कलर के थ्रेड से एज वेल एज जो फेक फॉइल मिरर्स होते हैं ना उसका काम क्या हुआ मिल जाता है. एंड ऑल्सो इट हैज अ बेल्ट जो कि इसमें अटैच्ड है एंड इस वाले बेल्ट के ऊपर भी आपको बहुत ही सुंदर सा लाइक काम किया हुआ मिल जाता है. एंड इसमें ना लाइक छोटे छोटे से पर्ल्स हैंग भी किए गए हैं. इसका जो फैब्रिक है वो है जॉर्जेट फैब्रिक, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसका फैब्रिक है. एंड इसके अंदर आपको लाइनिंग लगी हुई भी मिल जाती है. सो ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है एंड दिस पीस इज जस्ट परफेक्ट फॉर मेहंदी फंक्शन या फिर आप इसको अगेन अपने फेयरवेल या फिर फ्रेशर्स में भी पहन सकते हो और ये काफी सुंदर लगेगा. आई एब्सोल्यूटली लव दिस and you can definitely go for this one. So the next function is wedding and for one function I really wanted to do sari. So this is the sari. तो ये है एक बहुत ही pretty सा fuchsia pink color sari. So ये एक ready-made sari है. मैंने इसको size large में लिया है और ये मुझे मिला था for 2437 rupees. So basically ये एक ready-made sari है. This is one gown. Like ये तो अलग-अलग pieces नहीं है. So it comes with a tunic style top cum blouse and इसके ऊपर आपका वो जो fake mirror होता है ना उसका काम मिल जाता है इन सिल्वर कलर. एंड देन उसका जो बॉटम पार्ट है ना उसपे आपको लाइक ऑलरेडी सारे प्लीट्स वगैरह किए हुए मिल जाते हैं. आपको जस्ट उसकी जो चुन्नी होती है ना उसको ऐसे घुमा करके और उसको ऐसे आगे लाना होता है एंड दैट्स इट. दिस इज सो इजी. लाइक मुझे पर्सनली साड़ी पहनना नहीं आता है एंड फॉर मी इट वॉज सो इजी. अगर मैं पहन सकती हूँ तो आप लोग इसको डेफिनेटली पहन सकते हो. एंड इसका जो फैब्रिक है ना वो है जॉर्जेट फैब्रिक. मुझे इसका फैब्रिक बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. इट इज सच अ प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक. लाइक ये बिल्कुल भी चीप नहीं लगता है बट ये काफी अफोर्डेबल है एट द सेम टाइम. एंड इस वाले सेम पीस में आई थिंक एक और मिंट ग्रीन कलर भी अवेलेबल है पर मुझे ये फ्यूशिया पिंक कलर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा. एंड पहनने के बाद ये इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था. ओ माय गॉड इट वाज लुकिंग सो प्रिटी. दिस इज माय पर्सनल फेवरेट पीस फ्रॉम दिस एंटायर हॉल और आप इसके लिए बिल्कुल आंख बंद करके जा सकते हो. एब्सोल्युटली लव दिस. वेरी अफोर्डेबल. यू कैन डेफिनेटली गो हेड एंड बाय इट. सो द लास्ट वेडिंग फंक्शन इज अ रिसेप्शन एंड फॉर रिसेप्शन मुझे कुछ ज्यादा एथनिक नहीं करना था. आई वॉन्टेड समथिंग लाइक मोर इंडो वेस्टर्न, मोर ऑन द कंटेम्प्ररी साइड. तो मैंने ना आजकल केप स्टाइल में काफी सारे एथनिक आउटफिट्स देखे हैं लोगों को पहनते हुए एंड आई रियली वॉन्टेड टू लाइक क्रिएट वन. सो मैंने 3 अलग अलग पीसेस को एक साथ में कंबाइन करके एक आउटफिट क्रिएट किया है. सो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस आउटफिट इज ब्लाउज. सो आई वेंट फॉर दिस डीप मरून कलर ब्लाउज. ये एक स्लीवलेस ब्लाउज है विथ अ वी नेकलाइन. इसके ऊपर ना बहुत ही सुंदर सा लाइक थ्रेड का काम किया गया है एज वेल एज सीक्वेंट का भी काम किया गया है एंड द वर्क लुक्स सो नीट. लाइक ये पिक्चर्स में भी ना काफी अच्छे से आता है. ब्लाउज का जो फैब्रिक है ना वो है अगेन जॉर्जेट फैब्रिक एंड इसके अंदर लाइक लाइनिंग भी लगी हुई है तो ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ दिस आउटफिट इज अ प्लाजो पैंट्स. सो मुझे एक परफेक्ट प्लाजो पैंट मिल गए इन द सेम लाइक डीप मरून कलर एंड इट हैज अ बैंड अराउंड द वेस्ट एंड उसके ऊपर भी सेम काम किया गया है जो कि इस वाले ब्लाउज के ऊपर किया गया है. इसका भी जो फैब्रिक है ना वो है जॉर्जेट फैब्रिक. ये काफी ज्यादा लाइक फ्लोई सा फैब्रिक है एंड इसके अंदर आपको लाइनिंग लगी हुई भी मिल जाती है तो ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. एंड मैंने इस वाले प्लाजो को लिया था इन द साइज एक्सेल एंड मुझे थोड़ा फ्लोई सा लुक चाहिए था इसलिए लाइक मैंने इसको अपने से एक साइज बड़ा परचेज किया है और ये मुझे अच्छे से फिट हो जाता है. एंड फिर मैंने काफी ज्यादा सर्च किया एंड देन आई फाउंड अ परफेक्ट केप टू गो विद दिस आउटफिट. इसका भी जो कलर है वो है सेम डीप मरून कलर एंड इसके जो बॉर्डर्स है ना उस पे भी सेम काम हो रखा है जो कि इसके ब्लाउज पे हो रखा है एंड इट गोज परफेक्टली विद दिस आउटफिट. एंड जब मैंने ये सारे पीसेस को एक साथ में पहना ना, ओ माय गॉड ये इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था. केप में भी मैंने साइज लार्ज ही लिया था. सो ब्लाउज और केप है लार्ज साइज में एंड जो बॉटम वेयर है वो मैंने एक्सेल में लिया था. आई एब्सोल्यूटली लव दिस आउटफिट. ये बहुत ही लाइक ऐसे अलग सा आउटफिट है एंड ये इतना ज्यादा स्टाइलिश लगता है. ऐसा लगता है कि आपने लाइक बहुत सारा एफर्ट्स डाला है इस आउटफिट को चूज करने के लिए. अगर आप मुझे इस वाले पूरे हॉल में से मेरे 2 फेवरेट आउटफिट चूज करने को बोलोगे ना, सो फर्स्ट विल बी द पिंक साड़ी एंड देन सेकंड विल बी दिस मरून कलर आउटफिट। ये दोनों मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो नोटिफिकेशन का बेल है आप उसको भी प्रेस करो ताकि यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल बिकॉज आई एम सुपर एक्टिव देयर। एंड फॉर माई इंस्टाग्राम मैंने 365 डेज का चैलेंज लिया है, तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डेली एक फैशन रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। तो अगर आपको फैशन कंटेंट में इंटरेस्ट है सो मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो। मोस्टली आई पोस्ट OOTDs एंड रील, तो आप उसको इंस्टाग्राम पे रील सेक्शन में जाकर के देख सकते हो। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब। चलो मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय।